Hello children, today we will solve some addition sums here, and we will add 3 1-digit numbers with regrouping or carry forward. यहाँ पे हमने 3 numbers लिए हैं, अब इनको हम add करेंगे regrouping के साथ. और regrouping क्या होती है मैम, अभी आपको करके बताएंगी, ठीक है? तो आप see the first example, 6, 5 and 4. ये 3 numbers हैं, but they are single digit number, 1-digit number है. ये double digit नहीं है, 2-digit नहीं है ये. So अब आप add करिए इसको, देखिए मेरे साथ. What is the biggest number? Which is the biggest number among them? 6, 5 या 4? 6 is the biggest number. Yes. तो 6 आप number रखेंगे mind में. उसके बाद after 6 count 5 times on your fingers. Count after 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 हो गया. अब एक और नंबर है 4, उसमें वो भी हम ऐड करेंगे 11 में. So count after 11, 4 times on your fingers. After 11 क्या आता है? 12, 13, 14, 15. So the answer is 15. अब देखिए हमने single digit numbers को add करा, and the answer, the sum comes in double digit, 2-digit में आ गया answer, ठीक है? It is not single. So when 2-digit में आता है, इसका मतलब 1, 10 and 5 ones. Understood? अब हम यहाँ पे स्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए आप, अब आप समझेंगे इससे. लेट मी ड्रॉ द स्टिक्स फॉर यू. काउंट विथ मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 स्टिक्स, ऑल राइट? तो ये हम इसको बंडल को हम बांध देंगे एक स्ट्रिंग से, ऑल राइट? तो ये बन गए 110 हो गया, ऑल राइट? अब क्या बचा? 5 वंस बचा. लेट मी ड्रॉ 5 टाइम्स मोर. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 इज सिंगल डिजिट. अब जब इतनी सारी स्टिक्स यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, ये पूरी 10 स्टिक्स, सो दे मेक 110. इसीलिए हम 5 को लिखेंगे अंडर वंस प्लेस, और 1 कहाँ जाएगा हमारा? इन द टेंस प्लेस, बिकॉज इट्स 110. ऑल राइट, नाउ लेट्स डू द सेकेंड एग्जाम्पल. आपको मैं सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसी समझाती हूँ, और आप मेरे साथ अब काउंट करेंगे, ऑल राइट? नाउ सी, देर आर 3 नंबर्स अगेन इन द सेकेंड एग्जाम्पल. फर्स्ट इज 4, देन 6 and 2. ना अब इसमें से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. हम इसलिए देखते हैं सबसे बड़ा नंबर बिकॉज इट बिकम्स ईजी टू ऐड. इसीलिए हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे. सबसे बड़ा है 6. नाउ कीप द 6 नंबर इन माइंड एंड काउंट आफ्टर 6 4 टाइम्स. पहला नंबर है 4, तो आप 4 टाइम्स काउंट करेंगे ऑन योर फिंगर्स. आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गया. नाउ वन मोर नंबर इज देयर, 2. अब उसको भी ऐड करना है. सो काउंट आफ्टर 2, काउंट आफ्टर 10, 2 टाइम्स ऑन योर फिंगर्स. काउंट करिए, 11, 12. सो द आंसर इज 12. नाउ चिल्ड्रन, अब आपको फिर से 2-digit नंबर मिल गया एज एन आंसर सम. All right, the sum of this addition sum problem is 12. अब हम इनमें फिर आपको बताते हैं कि ये 12 है, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे ones place पे, और 1 कहाँ जाएगा? क्योंकि 1 10 है, इसीलिए हम उसको वी विल राइट इन द प्लेस ऑफ टेंस. और वाई वी आर राइटिंग इट इन द प्लेस ऑफ टेंस? नाउ काउंट विथ मी विद द स्टिक्स हाउ दे बिकम 12. See, count with me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. So these are 10 sticks and 10 ones make 1 10. हमने इसको टाई कर दिया एक स्ट्रिंग से तो ये पूरा 1 10 बन गया. नाउ द सेकेंड नंबर इज 2. सो 2 लूज स्टिक्स सो दिस बिकम्स 12. सो 2 विल कम अंडर वंस प्लेस एंड टेंस विल गो एट द टेंस प्लेस. सो 1 10 विल गो अंडर टेंस प्लेस.